नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के दौरे पर थे, जहां पर वो अपनी पार्टी और भारत की तारीफ करते हुए नजर आए और उन्होंने गुणगान किया कि आखिर 9 साल तक उनकी पार्टी ने देश के लिए क्या क्या काम किए। लेकिन देखा जाए तो भारत में हालात कुछ और हैं। यहाँ बेरोजगार युवा परेशान हैं, किसान सरकार के खिलाफ है और अब तो जो देश का गौरव है पहलवान वो भी सरकार के खिलाफ नजर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी US में जाकर ये बात नहीं करते, वो बात ये करते हैं कि 9 साल में उनकी पार्टी में क्या किया। देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सूचना तंत्र है, BJP का जो सूचना तंत्र है, इतना मजबूत है कि हल्की सी भी कोई प्रधानमंत्री जी की बुराई करे तो तुरंत उनके पास पुलिस पहुंच जाती है, ED CBI पहुंच जाती है। लेकिन यहां क्या देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को अपने देश के हालात के बारे में नहीं पता। पहलवान इतने महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, एक तरफ मणिपुर चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब अपने विदेशी दौरों से इतना सारा जो है पब्लिक का टैक्स लुटाकर और अपनी दोस्ती की मिसालें देकर जब भारत लौटते हैं तो अपने पार्टी के अध्यक्ष से पूछते हैं कि देश में क्या चल रहा है। और ये सवाल कहीं ना कहीं सबको हैरान करता है, जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं हर जगह नज़र रखता हूं और मैं हर जगह की सूचना रखता हूं, लेकिन जैसे ही वो अपने दौरे से वापस आते हैं वो पूछते हैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष से कि देश में क्या चल रहा है, और उनके पार्टी के अध्यक्ष भी बड़ा लाजवाब जो है जवाब देते हैं। मतलब मानो कि सब चंगा चल रहा है, लेकिन चंगा यहाँ पर नहीं चल रहा है। यहाँ किसान परेशान है, पहलवान परेशान है और युवा बेरोजगार यहाँ परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। ये सवाल बड़ा ही अचंभित करता है कि प्रधानमंत्री को ही देश की खबर नहीं है। मतलब अपनी यात्रा में वो इतने मशगूल हो गए कि भारत की चिंता भूल गए, वो ये भूल गए कि मणिपुर पिछले कितने महीनों से जल रहा है, वहाँ के लोग कितने परेशान हैं, वहाँ पे जो जवानों की हालत है, वहाँ पे जो फोर्स गई है उसके कितने बुरे हाल हैं प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं। लेकिन बस प्रधानमंत्री जी को ये पता है कि विदेश यात्रा कैसे की जाए, अपने जो व्यापारी दोस्त हैं उनको कैसे वहाँ बुलाया जाए, बाकी उनको देश की देखा जाए तो खबर नहीं है। वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे जब प्रधानमंत्री लैंड हुए अपनी यात्रा कर आए तो वहाँ पे BJP के सभी सांसद खड़े थे, विदेश राज्य मंत्री वहाँ खड़ी थी और वहाँ पे JP नड्डा खड़े थे, और प्रधानमंत्री जी उतरते ही पूछते हैं कि देश में क्या चल रहा है। बड़े अचंभे वाली बात है, प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, जिनको हर एक एक सेकंड की खबर होनी चाहिए, जो कहते हैं कि मैं तो जनता के लिए आया हूँ, अपने आप को विख्यात करते हैं कि मैं तो देश का चौकीदार हूं, और उस चौकीदार को ही जो है देश की खबर नहीं, और अपनी पार्टी के नेताओं से पूछते हैं कि देश में क्या चल रहा है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मेरा सूचना तंत्र इतना अच्छा है, मेरे को हर चीज़ की नॉलेज है, उनको यही नॉलेज नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। बस विदेशों की यात्रा में जो है लगातार पैसा फूंक रहे हैं, अपनी दोस्ती निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देश के लोगों की, मणिपुर के लोगों की, पहलवानों की, किसानों की आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनाई नहीं देती। मोदी जी देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ मौज में नज़र आ रहे हैं और उनको देश की कोई खबर ही नहीं है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।